हेलो, आज हम आपको दिखाएंगे कि आईफोन 10 को स्विच ऑफ कैसे करना है और इसको हार्ड रीस्टार्ट कैसे करना है। ये देखिए, आईफोन 10 है मेरे पास, तो अभी ये फ़िलहाल ऑन है, तो आप इसको रीस्टार्ट बताते हैं कैसे करना है। इसके जो पावर बटन है, एक ये वाला पावर बटन और ये इधर जो वॉल्यूम डाउन वाला, वॉल्यूम डाउन, इसको आप लगातार दोनों को एक साथ प्रेस करके रखेंगे तो ये आ गया पावर ऑफ का। यहाँ पर आप सीधा पावर ऑफ कर सकते हैं इससे, और ये कैंसिल कर दिया। अगर इसके बाद आता है, अगर मान लो आपका फ़ोन हैंग हो जाए कभी, वैसे आईफोन हैंग होता नहीं है, कभी हो जाए तो आप इसको ऐसे रीस्टार्ट कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे करना है। इसके अंदर जो देखो वॉल्यूम अप डाउन है, तो पहले आपको दबाना है वॉल्यूम अप, फिर डाउन, फिर पावर बटन दबा के रखना है थोड़ी देर के लिए, फिर ये अपने आप हार्ड रीस्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये अब रीस्टार्ट हो गया अपने आप। ये इसलिए है, जैसे कई बार जो है आईफोन जो है हैंग कर जाता है या स्टार्ट नहीं होता है, कोई दिक्कत आ जाती है वो सॉफ्टवेयर वगैरह में, तो इसको आप इस तरह रीस्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, उनको भी नॉलेज दीजिए कैसे इसको यूज़ करना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो रेड वाला बटन दिख रहा है आपको वहाँ पर प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल, और जो भी मैं नए अपडेट डालूँगा वो आपको इजीली सबसे पहले मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।